अगर रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी के बारे में बात करें तो ये क्या होती है, देखो प्रकृति में चाहे कृत्रिम रूप से अगर अस्थायी नाभिक है, कैसा नाभिक है, अस्थायी नाभिक है, तो इसका मतलब है वो रेडियो एक्टिव नाभिक है और कोशिश करेगा स्थायी नाभिक में बदलने की, ठीक है। और जब तक अस्थायी से स्थायी नाभिक नहीं बन जाता, चाहे एक बार में, चाहे दो बार में, चाहे तीन बार में, तब तक विघटन होता रहेगा और उसी श्रेणी को कहते हैं विघटन श्रेणी। जैसे ए लिया और ये है प्रारंभिक रेडियो एक्टिव ले लिया हमने, रेडियो एक्टिव से मतलब क्या है, ये बहुत अस्थायी है नाभिक है, तो ये क्या करेगा, अल्फा या बीटा कण का उत्सर्जन करेगा। मैं अल्फा, हमें नहीं पता, अल्फा बीटा लिख रही हूँ, तो ये बदल गया बी में। अगर ये स्टेबल है तो प्रोसेस यहाँ रुक जाएगी, नहीं है तो फिर होगी प्रोसेस, अल्फा या बीटा कण का उत्सर्जन। सी, अगर ये स्टेबल है तो प्रोसेस रुक जाएगी, नहीं है तो फिर से होगी। अब बन गया डी, अगर स्टेबल है तो अभी के लिए रुक जाएगी, नहीं तो आगे, तो हम मान रहे हैं अब स्टेबल। अब चार बार तो एग्जाम्पल पढ़ लिए चार, तो ये क्या अंतिम, जो अंतिम नाभिक होगा वो कंफर्म ये है कि स्थायी नाभिक ही होगा, ठीक है। तो इस तरह जो ये श्रेणी बन रही है इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव विघटन की श्रेणी। ये विघटन की श्रेणी चार प्रकार की होती है, अब कौन कौन सी है देखो, फर्स्ट थोरियम या फोरेन श्रेणी। थोरियम, मैं सबके नाम एक बार बोल रही हूँ लेकिन पहले एक एक करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। थोरियम श्रेणी, नेपच्यूनियम श्रेणी एनपी लिख रही हूँ, यूरेनियम श्रेणी, एक्टिनियम, तो ये चार प्रकार की श्रेणी हो गई। पहले हम एक एक करके पढ़ना है ना, मैं एक साथ नाम नहीं हूँ, थोरियम, नेपच्यूनियम, यूरेनियम और एक्टिनियम, फोरेन, फोर एन प्लस वन, फोर एन प्लस टू और फोर एन प्लस थ्री। ये जो चारों श्रेणियाँ हैं, इन चारों श्रेणियों के नाम उनके जनक तत्वों के आधार पर, मतलब थोरियम में थोरियम तत्व, नेपच्यूनियम में नेपच्यूनियम, यूरेनियम और एक्टिनियम, इनके आधार पर रखा गया है। और ये जो श्रेणी के तत्व हैं ये अल्फा तथा बीटा कणों का उत्सर्जन करके स्थायी नाभिकों में परिवर्तित होते हैं। इन चारों का नाम इस प्रकार दिया गया है कि जब इसके जनक तत्व की द्रव्यमान संख्या में चार का, इनका नाम कैसे कैसे दिया, यहाँ फोर एन, ये फोर एन प्लस वन है, ये फोर एन प्लस टू है और ये फोर एन प्लस थ्री। अब ये तो हम समझ गए ये थोरियम वाली श्रेणी है, नेपच्यूनियम, अब ये इनकी इनका नाम कैसे दिया, ये सुनो कि इन चारों का नाम इस प्रकार दिया गया है कि जब इसके जनक तत्व, क्या है इसका, थोरियम तत्व की द्रव्यमान संख्या, इसकी द्रव्यमान संख्या थोरियम तत्व है। अगर हम इसकी द्रव्यमान संख्या के बारे में देखें, थोरियम की द्रव्यमान संख्या होती है कुछ 232 करीब, तो 232, तो थोरियम की द्रव्यमान संख्या में जब चार का भाग दिया जाता है तो क्रमशः इन चार, देखो अगर इसमें चार का भाग देंगे तो इसमें 0, 1, 2, 3 शेष बचता है जिसे धनात्मक चिन्ह लगा के आगे दर्शा दिया जाता है, प्लस लगा, देखो इसमें 0 बचा है तो प्लस 0 का तो कोई मतलब नहीं, इसमें 1 बचेगा तो 4n प्लस 1 हो जाएगा, इसमें 2 बचेगा तो 4n प्लस 2, इस तरह से दिया गया, ठीक है। अब आगे देखो, मतलब जनक की द्रव्यमान संख्या में चार का भाग देने पर, इसकी द्रव्यमान संख्या में चार का भाग देंगे तो 0 शेष, 1 शेष, 2 शेष, 3, उनको प्लस लगा के आगे बढ़ा दिया, बस इस तरह से इसका नाम देंगे। अब हम एक एक करके श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं, कैरेक्टर्स देखो, ये किससे प्रारंभ होती है, थोरियम से प्रारंभ होती है, नेक्स्ट नेचुरल श्रेणी है, प्राकृतिक है, नेक्स्ट इस श्रेणी के प्रत्येक सदस्य की द्रव्यमान संख्या का में चार का भाग देने पर पूरा भाग जाता है, कितना शेष बचता है, 0 शेष, इसलिए इसे क्या कहते हैं, थोरियम श्रेणी, बता दिया। नेक्स्ट, इस श्रेणी का प्रारंभ थोरियम से लेकर स्थाई लेड, लेड क्या है, पीबी पर समाप्त होता है, मतलब अगर थोरियम ले तो थोरियम से लेके लेड स्थाई होता है, तो थोरियम लेड टूटता बाद में जाके लेड पर पहुंचेगा और जो कि स्थाई समाप्त होता है, और इससे इसमें कुल 6 अल्फा कण व 4 बीटा कण इन पूरी प्रोसेस में उत्सर्जित होते हैं, बस ये होगी फोरेन श्रेणी। नेक्स्ट है, इसके बारे में पढ़ते हैं, देखो मैं लिख देती हूँ, नेपच्यूनियम, ठीक है, नेपच्यूनियम में क्या होता है,
इसको मैं 4n+ स्टार्ट किससे होती है, एनपी नेपच्यून से। इस क्या बोलते हैं कि इस श्रेणी के प्रत्येक सदस्य की द्रव्यमान संख्या में अगर 4 का भाग दें, इस श्रेणी में जो भी तत्व आते हैं उसकी द्रव्यमान संख्या में अगर 4 का भाग दें तो एक शेष बचता है, तो शेष इसीलिए क्या कहते हैं 4n+1। यह नेपच्यूनियम से शुरू होकर बिस्मिथ पर खत्म होती है, ठीक है। और नेपच्यूनियम से बिस्मिथ मतलब नेपच्यूनियम से जो आगे आता है परमाणु वो उसमें फिर आगे फिर इस तरह, और इस दौरान 7 अल्फा कण व 4 बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यूरेनियम 4n+2। इस श्रेणी के प्रत्येक सदस्य में 4 का भाग देने पर 2 शेष, तो लिख रही है 2 शेष। शुरू कहाँ से होती है, यूरेनियम, दो शेष बचता है इसीलिए 4n+2 कहा जाता है। इसमें यह श्रेणी यूरेनियम से प्रारंभ होती है और लेड पर खत्म होती है, क्योंकि यूरेनियम से प्रारंभ है इसीलिए क्या कहते हैं यूरेनियम श्रेणी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, यह श्रेणी यूरेनियम से प्रारंभ होकर लेड पर समाप्त होती है, इस दौरान इसने कुल 8 अल्फा कण और 6 बीटा कण, देखो इसमें भी लेड था और दोनों में लेड, मतलब ये पीबी लेड स्टेबल है, ये भी थोरियम जाके लेड पे रुकता है और यूरेनियम में लेड, तो इसमें 8 अल्फा कण और 6 बीटा कण का उत्सर्जन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ एक्टिनियम श्रेणी 4n+3। इस श्रेणी के प्रत्येक सदस्य में 4 का भाग, प्रत्येक सदस्य की द्रव्यमान संख्या में 4 का भाग देने पर 3 शेष बचता है, इसीलिए इसे कौन सी श्रेणी कहते हैं, 4n+3 श्रेणी कहते हैं। यह श्रेणी एक महत्वपूर्ण रेडियो सक्रिय तत्व एक्टिनियम के आधार पर दी गई है, इसीलिए इसे एक्टिनियम श्रेणी कहते हैं। और इसके अलावा यह भी, यह श्रेणी यूरेनियम से स्टार्ट होती है और जाकर लेड पर समाप्त होती है। यह श्रेणी यूरेनियम से प्रारंभ होकर लेड पर समाप्त होती है और इस दौरान कुल 7 अल्फा कण व 4 बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। एक्टिनियम तत्व का जनक एक्टिनियम से ना होकर यूरेनियम ही होता है, ठीक है, इसीलिए ये यूरेनियम से स्टार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है रेडियो सक्रिय विस्थापन नियम या समूह विस्थापन नियम। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रेडियो सक्रिय विस्थापन नियम या फिर समूह विस्थापन नियम। समूह विस्थापन नियम के आधार पर जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व विघटित होता है तो उसके विघटित उत्पादों से जो नया उत्पाद, जो उसके विघटित उत्पाद बनते हैं उनका आवर्त सारणी में स्थापन इसी नियम के द्वारा बताते हैं। मतलब जैसे कोई एक तत्व है विघटित हुआ और नया तत्व बना, तो उस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान इस नियम के द्वारा बताया जाता है। विस्थापन नियम सॉडी व रसेल ने दिया था, जिसके अनुसार रूल नंबर फर्स्ट, देते कैसे नाम आवर्त सारणी स्थान देते कैसे हो सकूँ, जब किसी तत्व से एक अल्फा कण, अल्फा कण मतलब हीलियम, उत्सर्जित होता है तो जनक तत्व के परमाणु क्रमांक में कितने की कमी है, अल्फा कण निकलने का मतलब है परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हुई, 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4, 2H4 ही तो होता है, अब ये निकल गया तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, जिससे नए तत्व आवर्त सारणी में अपने मूल स्थान से दो समूह या फिर दो स्थान बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। देखो बस जैसे अपो हम लेते हैं पीवी 82 211, ये हो गया। अब देखो जैसे ही इसमें से हुआ बीटा कण का उत्सर्जन, तो उत्सर्जित कर रही मैं इधर लिख देती हूँ, हीलियम 2H निकल गया है, मैं उत्सर्जन एरो लग रहा है ये, तो इसका मतलब इसमें 2 की और इसमें 4 की कमी, क्या बनेगा 84 पोलोनियम 215, ये बन गया। अब परमाणु क्रमांक 82 से 84, द्रव्यमान संख्या 211 से 215,
मिनट एक मिनट, मैंने इस रिएक्शन को थोड़ा अलग बता दिया, क्योंकि उसमें क्या है, इससे जब ये बनेगा, मतलब ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं और इससे जब ये बनेगा तो इसका उत्सर्जन हो रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों के स्थान को कैसे देखेंगे, अगर हम Pb82 और इन दोनों के स्थान को देखें, तो इस पोलोनियम 84 जिसका परमाणु क्रमांक 84 है, इसका 82 है, ठीक है। अब पोलोनियम में से अगर हीलियम कण का उत्सर्जन या एल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो पोलोनियम से क्या बनेगा, लेड बनेगा, क्यों, क्योंकि 84 से 82 और 215 से 211 द्रव्यमान संख्या होगी जो कि किसकी होती है, लेड की, ठीक है। तो अब कहाँ किसके का, ये पोलोनियम से लेड बना, उत्सर्जन से लेड बन रहा है, तो इसकी स्थिति कुछ बाईं तरफ खिसक जाएगी, किसमें, अपने मूल स्थान से कहाँ खिसकेगी, बाईं तरफ खिसकेगी, बात समझ में आई, कमी हो रही है बाईं तरफ खिसकेगी, ठीक है। दूसरा, जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व बीटा कणों का उत्सर्जन करता है, तो बीटा कण का उत्सर्जन करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है तो जो न्यूट्रॉन है, देखो जैसे हम मान रहे हैं ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रो बीटा कण अर्थात इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो उस समय एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा होगा, कैसे बदलेगा ये एक न्यूट्रॉन, इसमें से अगर हम मानते हैं प्लस है और एक माइनस है, इस माइनस को निकाल देंगे तो इसमें प्लस बदल, ये प्लस में बना रहेगा तो ये प्लस में बना रहेगा, मतलब ये क्या बन गया, अब ये प्रोटॉन बन गया, ठीक है। तो बीटा कण उत्सर्जन होने का मतलब है प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि, प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि मतलब परमाणु क्रमांक में वृद्धि, और परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, और अगर द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित है, द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित है और परमाणु क्रमांक वृद्धि है, तो एक स्थान दाईं ओर खिसकेगा, देखो जैसे एग्जांपल ये बिस्मिथ 83, अब क्या किया हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही इसमें जो न्यूट्रॉन था एक, वो प्रोटॉन बदल गया, मतलब प्रोटॉन एक बढ़ गया, तो क्या आ गया 84, और पोलोनियम होता है, पोलोनियम का होता है 84, और कब, जब एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो देखो ये कि इसकी स्थिति, बिस्मिथ की स्थिति जहाँ होगी, पोलोनियम की स्थिति ठीक उसके दाईं ओर होगी, तो स्थिति को ही तो बता रहा है। इसके बाद तीसरा रूल और देखते हैं, तीसरा रूल क्या है, जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से पॉजिट्रॉन, अभी हमने अल्फा निकाल दिया, बीटा कण निकाला है और बीटा कण में भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब पॉजिट्रॉन निकाल दिए, अब देखो एग्जांपल लेके देंगे जिसमें 83, अब हमने इसमें से पॉजिट्रॉन निकाल दिया, पॉजिट्रॉन निकालने का मतलब क्या है, पॉजिट्रॉन निकलते हैं तो प्रोटॉन की संख्या मतलब धनावेश कम कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन मतलब धनात्मक आवेश खत्म कर रहा है, तो मतलब प्रोटॉन की संख्या कम, तो किसमें बदलेगा 82 Pb, 83 के बाद 82, 209 है, कौन निकल रहा है 1e0 पॉजिट्रॉन, तो देखो 83 की जगह अब 82 बन गया उत्सर्जन से, तो जगह कहाँ, एक वर्ग बाईं ओर खिसकेगा, अल्फा कण में बाईं ओर था लेकिन दो स्थान था, इसमें एक स्थान बाईं ओर खिसकेगा, ठीक है। तो ये हो गया विस्थापन नियम, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक विघटन स्थिरांक या रेडियो एक्टिव विघटन की दर, इसको पढ़ते हैं। विघटन स्थिरांक या रेडियो एक्टिव विघटन की दर क्या होती है, इकाई समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की जितनी मात्रा, किसकी, रेडियो एक्टिव पदार्थ की जितनी मात्रा का विघटन होता है, इकाई समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ की जितनी मात्रा का विघटन होता है वह क्या कहलाती है, विघटन दर, या इसी से निकलेगा विघटन स्थिरांक, विघटन दर या विघटन स्थिरांक। इसके आगे रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इकाई समय में
रदरफोर्ड के अनुसार इकाई समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने या लुप्त होने या नए नाभिकों में बदलने। तो रेडियो एक्टिवता में ये तो होता है, एक नाभिक अस्थाई स्थाई में बदलता है। तो रदरफोर्ड के अनुसार इकाई समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने, लुप्त होने या फिर नए नाभिकों में विघटित होने पदार्थ की मात्रा, नए नाभिक में विघटित होने वाले पदार्थ की मात्रा एक निश्चित अंश होती है। अर्थात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस मात्रा, अब मैं इसको इस तरह से समझ में, देखो मैंने अभी बताया रदरफोर्ड के अनुसार इकाई समय में छह होने लुप्त होने या नए नाभिकों में विघटित होने वाले पदार्थ की मात्रा एक निश्चित अंश होती है। इसको हम दूसरी तरह से क्या समझ सकते हैं, अर्थात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है, पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है। यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब आगे हमने बार बार समझ लिया कि इकाई समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, विघटन में क्या होता है, अस्थाई नाभिक स्थाई नाभिक बदलता है, तो विघटन की दर, क्षय होने की दर, लुप्त होने की दर किसकी, पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन की दर होती है, कौन सी दर, ये विघटन की दर, रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन की दर होती है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। बाह्य भौतिक कारक, बाह्य कारक होते हैं जैसे ताप दाब वगैरह वगैरह, इन पर कोई डिपेंड नहीं करती है, केवल किस पर निर्भर करेगी, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ कैसा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ अस्थाई है, स्थाई है तो नहीं बदलेगा, अस्थाई है तो चेंज होगा। ठीक है, अब मानते हैं कोई एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है ए, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटन की अभिक्रिया संपन्न करता है निम्न प्रकार से, ए से बनता है बी, इस दौरान अल्फा बीटा या गामा जो भी है उसका उत्सर्जन करता है। ठीक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी कि कौन सा उत्सर्जन है, हमें विघटन की दर निकालनी है। ए से बी में विघटित हुआ, तो देखो माना कि रेडियो एक्टिव तत्व ए, माना कि रेडियो एक्टिव तत्व ए के प्रारंभ में उपस्थित अणुओं की संख्या एन जीरो थी, ठीक है, और टी समय पश्चात एन टी हो गई। अतः विघटन की दर निकालनी हो तो हमने कहा प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि के अनुसार माइनस डी एन अपॉन डी टी किसके समानुपाती होगी, ठीक है, टी समय पर विघटन, क्योंकि हमें विघटन से ही तो मतलब टी समय पर विघटन होगा, तो टी समय पर अणुओं की संख्या एन टी थी, तो हम क्या करेंगे डी एन अपॉन डी टी, विघटन की दर जो हुई है कौन से समय पर, टी समय पर, तो एन टी समय पर जितने अणु होंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो पर तो कोई मतलब नहीं है, जीरो समय पर तो कोई विघटन नहीं है, ए जैसा है वैसा ही बना रहेगा, तो हमें विघटन की दर कैसे पता लगे, तो हम किसी समय टी पर पता लगेंगे, टी के लिए क्या, टी समय पर अणुओं की संख्या, और ये माइनस क्या होता है कमी को। अब आगे देखो माइनस डी एन अपॉन डी टी बराबर साइन लैम्डा एन टी, चिन्ह हटाया जाके यहाँ लैम्डा क्या है, समानुपाती स्थिरांक, इसे कहते हैं विघटन स्थिरांक, जो हमने पढ़ा था विघटन क्षय लुप्त ये सारे नाम स्थिरांक पीछे लगा दो, स्थिरांक तो विघटन स्थिरांक क्षय स्थिरांक लुप्त स्थिरांक, ठीक है, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को व्यवस्थित करेंगे, मतलब इसको नीचे ले आएंगे तो डी एन अपॉन एन टी बराबर लैम्डा डी टी, इक्वेशन सेकंड का समाकलन करने पर, समाकलन किया इसका आगे, इसका 1/nTn का समाकलन लोग हैं तो आगे माइनस आगे तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग एन एन टी लॉग एन टी प्लस लैम्डा भाग
तो लेमडा बाहर आ गया, इक्वल कहाँ गया, अच्छा इक्वल है यहाँ तो लेमडा, इसका कितना है टी, अब कोई लिमिट नहीं है तो क्या लगा देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। सी क्या होता है, समाकलन स्थिरांक। अब देखो अगर टी बराबर जीरो पर एन टी बराबर क्या है, जीरो, जीरो समय पर अणुओं की संख्या तो एन जीरो है, विघटित होने वाले परमाणु परमाणु की संख्या एन जीरो, मतलब स्टार्टिंग में एन जीरो है, विघटित नहीं हुआ है उस कंडीशन में एन जीरो। तो अगर हम समीकरण तीन से देखें तो समीकरण तीन से क्या आ जाएगा, क्या आएगा सी बराबर क्या आएगा, माइनस लॉग एन जीरो बराबर सी आएगा ना, हमने क्या लिखा है एन टी बराबर एन जीरो, इसकी वजह जीरो, तो ये जीरो। अब ये आ गई फोर, इस फोर को थ्री में रखने पर तो क्या आएगा, माइनस लॉग एन टी, माइनस लॉग एन टी, थोड़ा जूम कर देखो, माइनस लॉग एन टी बराबर लैम्डा टी, और क्या गया कहाँ गया टी, ये लैम्डा टी, हाँ सी, सी क्या था माइनस लॉग एन जीरो, तो यहाँ आ गया डायरेक्ट माइनस लॉग एन जीरो, ठीक है। अब अगर लैम्डा टी लेना है, लैम्डा टी इसको उधर पहुँचाया तो क्या आएगा, लॉग एन जीरो माइनस लॉग एन टी, क्या आ गया लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या हो गया लॉग ए अपॉन बी, लैम्डा टी बराबर लॉग एन जीरो अपॉन एन टी, आ गया। अब देखो अगर हमें लैम्डा निकालना है तो मैं लिख सकती हूँ वन अपॉन टी लॉग एन जीरो अपॉन एन टी, ये दे इक्वेशन नंबर फाइव, मैंने इसको अपॉन में यहाँ पहुँचा दिया। अगर हमें लॉग बदलना है, बेस बदलना है तो किसका गुणा करेंगे, 2.30 थी तो मैं बेस तो बदल रही हूँ, लिख एल एन ही रही हूँ, एल ओ जी भी लिख सकते हैं। देखो 2.303 अपॉन टी, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर, सिर्फ 2.303 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैम्डा है इसका मात्रक हो सकता है सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, डे इनवर्स, ईयर इनवर्स, मतलब इनवर्स में टाइम। अब देखो हमने क्या करना है, यहाँ तक आ गया होगा लैम्डा, आ गया यही तो लैम्डा, यही तो विघटन स्थिरांक है, विघटन स्थिरांक का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ठीक है। और ये किस में आएगा, इसका बता दिया सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, डे इनवर्स, इनमें आता है, ठीक है। इसके बाद अब देखो अगर हम समीकरण पांच का एंटी लॉग लें तो देखो क्या आएगा, समीकरण पांच से क्या होगा, एन जीरो अपॉन एन टी ई की पावर लैम्डा टी, ठीक है। अगर एन टी इसको इंटरचेंज किया तो ये बदल गया ई की पावर माइनस, ठीक है। अब इसके बाद दो अगर हमें एन टी लेना है तो क्या आ जाएगा, एन जीरो टी, या इक्वेशन नंबर सेवन। जो यहाँ समीकरण सात है और पहले कौन सी निकाली समीकरण, ये छः लैम्डा की वैल्यू है दोनों, इनसे स्पष्ट है कि रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब योगे प्रथम कोटि अभिक्रिया बता दी, जो विघटन अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये सिद्ध हो गया, जिससे विघटन स्थिरांक लैम्डा की, लैम्डा का फॉर्मूला निकाल दिया। अब नेक्स्ट निकालेंगे अर्धायु काल, अर्धायु काल किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के किसी नमूने को, जैसे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसको आधा विघटित होने में जितना समय लगेगा वही अर्धायु काल, आधा विघटित होने में लगने वाला समय आधा, जिसे किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, टी वन बाई टू, टी हाफ से। तो टी अगर मानते हैं एन जीरो थी प्रारंभ में तो आधे समय में कितनी रह गई, एन जीरो बाई टू ही तो रह जाएगी, अगर हम आधी मात्रा एन जीरो में से आधा विघटन हो गया तो एन जीरो बाई टू कितने समय में, टी हाफ समय में। तो देखो इक्वेशन सेकंड सिक्स से समीकरण छः जो हमने पीछे निकाला था, इस समीकरण से क्या आएगा, लैम्डा बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग, क्या था एन जीरो अपॉन एन टी, ये था ना। अब क्या करेंगे देखो, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे,
देखो क्या करेंगे, टी को इधर लेते हैं, हाफ में ले लेते हैं, टी हाफ 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग ये एन जीरो, और ये क्या हो जाएगा एन जीरो बाई टू एन टी समय पर, टी समय मतलब आधा समय, ये तो आया। तो देखो एन जीरो से एन जीरो टू ऊपर लॉग टू, लॉग टू की वैल्यू क्या होगी 2.303 अपॉन लैम्डा, ये आ गया लॉग टू। लॉग टू की वैल्यू क्या होती है, जीरो पॉइंट टू दस, टी हाफ सॉल्व करेंगे 0.693 अपॉन लैम्डा, या गई इक्वेशन नंबर 8। टी हाफ अर्धायुकाल हमारा निकल गया, अर्धायुकाल विघटन स्थिरांक का विक्रम है, जिसे क्या पता लगता है विघटन स्थिरांक किसी किसका सॉरी अर्धायुकाल विघटन स्थिरांक का विक्रम है। इसके बाद देखो, इसके बाद आगे अगर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन स्थिरांक लैम्डा के विक्रम की बात करें तो लैम्डा का विक्रम टॉ, देखो एक फॉर्मूला है टॉ बराबर 1/लैम्डा, तो ये टॉ होता है औसत आयुकाल, अगर हमने औसत आयुकाल करना है तो 1/लैम्डा इसका विक्रम कर देंगे तो औसत आयुकाल आ जाएगा, और इससे लैम्डा की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगी 0.693 अपॉन टी हाफ, इसको इसमें पुट करेंगे तो टॉ बराबर क्या आ जाएगा 0.693 इंटू टी, ये तो आएगा है ना। तो देखो क्या हो गया टॉ बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.44 टी हाफ, तो औसत आयुकाल अर्ध आयुकाल का 1.44 गुना होता है। कंप्लीट क्लियर हो गया, यहाँ पे हो गई अर्ध आयुकाल और औसत आयुकाल खत्म। इसके बाद नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्शंस, जो नाभिकीय विघटन और विघटन वगैरह विघटन होता है इसके दौरान नाभिक में, जब वो नाभिक पर हम अल्फा कण की बौछार करते हैं तो अल्फा कणों की बौछार करने पर नाभिक में विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित होती हैं, जिनमें से कुछ तो ऊर्जा मुक्त करती हैं और साथ में उत्पाद का निर्माण भी करती हैं, ठीक है। तो इस आधार पर नाभिक की अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होती है नाभिक अभिक्रियाएँ, जब अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएँ संपन्न होती हैं, जिसमें से कुछ अभिक्रियाएँ ऊर्जा मुक्त करती हैं और अभिक्रियाएँ सह उत्पाद के रूप में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा कण भी उत्सर्जित करती हैं, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट प्रक्षेप्य प्रग्रहण कण उत्सर्जन, फर्स्ट प्रकार पहले ही अभिक्रिया के नाम में लिखती हूँ सारी, प्रक्षेप्य प्रग्रहण अभिक्रिया, ये कण उत्सर्जन या अभिक्रिया, स्पालन या समुत्खंडन अभिक्रिया, चौथा नाभिकीय नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, पांचवी नाभिकीय संलयन। इस तरह 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है नाभिक में, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रक्षेप्य प्रग्रहण कण उत्सर्जन, इसे अब हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे।